शहनाज गिल को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हुए सलमान खान। आखिर में क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बिग बॉस के वीकेंड के बाद यानी कि ग्रैंड फिनाले पर जो है शहनाज गिल का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेसफुल परफॉर्मेंस होने वाला है, जहां पर बिग बॉस 13 की जो सारी यादें हैं शहनाज और सिद्धार्थ की वो ताजा होने वाली है। लेकिन ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि जहां पर शहनाज गिल आज अकेली खड़ी है, उनके साथ में हमेशा एक शख्स जो है वो खड़ा रहता था, वो इनविजिबल है, वो है नहीं लेकिन वो है भी सही, ऐसा शहनाज का मानना है। वेल, मैं आपको बता दूं कि जब शहनाज गिल बिग बॉस के सेट पर गई और सलमान खान से इंटरेक्शन उनका हुआ तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वेल, ये सारी चीजें आप ग्रैंड फिनाले पर भी देखेंगे कि किस तरीके से शहनाज गिल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, जहां पर सलमान खान भी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही शहनाज सलमान खान को देखती हैं तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती हैं और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तभी एक वार्म हग जो है वो सलमान खान उन्हें देते हैं, लेकिन यहाँ पर सलमान भी इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। काफी इमोशनल भरा मोमेंट होता है, काफी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है लेकिन उनकी जो साइलेंस है वो भी काफी कुछ बोल जाती है यहाँ पर। तो ये काफी इमोशनल सा मोमेंट है, जहां पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, ऑडियंस भी मिस कर रही है, फैंस भी मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सलमान खान और शहनाज भी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है ग्रैंड फिनाले के लिए और क्या कुछ आपका कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।